हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है अभी और सरकार ने इस लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। और आप लोग इस लॉकडाउन का पालन करें और अपने अपने घरों में रहें और सेफ रहें। तो आज मेरा जो टॉपिक है जिस पर मैं बात करने जा रहा हूँ, वो SBI में अगर आप सभी का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप घर बैठे एक SMS करके आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम कि एक SMS के ज़रिए हम कैसे अपना मोबाइल बैंक में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर सकते हैं और एक मिस कॉल से हम अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसा आप देख रहे हैं, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सबसे पहले हम कॉल करके देख लें कि मेरा जो मोबाइल नंबर है बैंक में रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आइए हम चलते हैं अपने ये मोबाइल के कॉलिंग ऑप्शंस में और ये नंबर डायल करके कॉल करके देखते हैं। देखिए, हमने कॉल किया और मेरे पास एक मैसेज आया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका ये मोबाइल नंबर आपके बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। तो आइए अब जाने कैसे करना है रजिस्टर। हम अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे ये नंबर डायल करेंगे और टाइप करेंगे सब कैपिटल लेटर में REG और अपना बैंक अकाउंट नंबर, फिर इसे सेंड कर देंगे। जैसा आप देख रहे हैं हमने किया है, हमें यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना, इसीलिए इसी नंबर से हमने किया है। ऐसे में मैसेज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, आप लोग वेट। मेरे पास मैसेज आ चुका है, मेरा ये मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो गया है। इस नंबर ये नंबर पे कॉल करते हैं, कॉल करना है, फिर उसके बाद मिस कॉल देकर काट देना है, फिर आपके ये रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल बिहार दबंग बॉयज 3 को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे तक भी वीडियो ये पहुंच सके। हम आशा करते हैं कि आप सभी समझ चुके होंगे।